इसका ये रेन कवर है जो इससे अटैच्ड है ना, पूरा कवर हो चुका है अच्छे से। एंड इसके बाद जो हमारा टैंक पैक है इसको आराम से हम अपने बाइक पे लगा के चला सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं अपना जो टैंक बैग है उसका एक रिव्यू वीडियो बनाने वाला हूँ। सो ये जो टैंक बैग है इसे मैंने कहाँ से परचेस किया है, इसका क्या कॉस्ट है, कितना रिलायबल है, क्या प्रोज है, क्या कौन सा है, इस वीडियो में आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम इसे कहाँ से परचेस किया है मैंने इस बैग को, तो मैंने इस बैग को बेसिकली हमारे जो होंडा बिग विंग के शोरूम्स होते हैं वहाँ से मैंने इसे परचेस किया है। सेकंड थिंग, इसका कॉस्ट कितना है। सो इसका कॉस्ट है मुझे पड़ा है कुछ 3000 अप्रॉक्स, इसके बाद कुछ GST और कुछ ऐड करके आई थिंक 3200 समथिंग अराउंड कुछ पड़ा है मेरे बैग को। थर्ड थिंग, इसका मैग्नेटिक पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मैग्नेट, मैं इसको इस बैग को अराउंड 2 ईयर्स से यूज़ कर रहा हूँ एंड बिलीव मी इसका मैग्नेट काफ़ी हाई क्वालिटी का है। तो हम इसे जब अपने बेसिकली टैंक पे लगाते हैं तो हम बाइक को कितनी भी स्पीड से चलाएं या कितना भी इसको झटके लगें, ये टैंक बैग बिल्कुल हिलता नहीं है एंड बहुत स्टेबल रहता है। तो इसकी मैग्नेटिक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। फोर्थ थिंग, अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो ये जो बैग है 5 लीटर्स का है। तो 5 लीटर्स का बैग बेसिकली हम कोई लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स पे जाते हैं लाइक 500 किलोमीटर्स और मोर देन 500 किलोमीटर्स, देन आई डोंट रिकमेंड टू टेक दिस बैग अनलेस यू हैव अनदर बैग्स वेयर यू कैन कीप योर लगेज। बट ये जो बैग है बेसिकली, मैं तो इसे कहीं शॉर्ट राइड्स पे जाना होता है लाइक जयपुर, फ्रॉम गुड़गांव टू जयपुर और समवेयर लाइक 200-250 किलोमीटर्स, जहाँ पे हम एक ही दिन में अपना पूरा डिस्टेंस जो है कवर कर सकते हैं। तो ये बैग मेरे को उस मामले में काफ़ी बेस्ट लगा है क्योंकि काफ़ी रिलायबल है एक्चुअली। में इसमें हमको कोई भी सामान है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर कोई छोटी पानी की बॉटल है या फिर हमारा जो GoPro का ये बॉक्स होता है या फिर कोई भी अगर हमें एक्सेसरीज़ है अगर हमें रखनी है और हमें हैंडी चाहिए तो ये बैग बेस्ट है उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये छोटा भी है और इसमें आराम से सामान काफ़ी आ भी जाता है, राइट। अगर हमारा चार्जर है तो ये सब चीज़ें जो होती हैं हम अपने इस बैग में रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या इसका जो क्वालिटी है, नहीं क्वालिटी एज इन लाइक जब इसे हम अपने टैंक पे लगाते हैं बाइक के, तो उससे बाइक की पेंट क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता। तो मैं इसे 2 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मेरी टैंक पे कोई डेंट पड़ा हो या कोई निशान बना दिया हो या ऐसा कुछ भी सॉरी तो ऐसा कुछ भी मुझे ऐसा लगा नहीं है कि ये बैग से मेरे को कुछ फील हुआ है या ऐसा कुछ भी है। सो इस चीज़ को लेके तो निश्चिंत रहिए कि ये बैग से कोई आपके टैंक पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ काफ़ी अच्छा क्वालिटी का बैग है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसका जो मटेरियल है बहुत हाई क्वालिटी का है। 5 लीटर्स के हिसाब से मुझे लगता है इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है बट क्वालिटी भी इन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की है, राइट। सेकेंड थिंग, और एक और चीज़ इसमें बहुत अच्छी है, जैसे कि अगर कभी बारिश हो जाती है या कुछ भी है तो हमें अगर अपना फ़ोन का यूज़ करना है या फिर फ़ोन जो है हम कवर करना है तो ये इसका सामने ये दिया हुआ है, तो इसमें हम जस्ट अपना ओपन करके अपना फ़ोन इसमें डाल सकते हैं तो पानी वानी से कोई इश्यू नहीं होता, ठीक। अदर थिंग, इसमें एक और जो अच्छा फीचर है वो है कि एक और चीज़ जो इसमें अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसमें रेन कवर आता है साथ में। तो अगर हमारा कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है या कुछ भी है, अगर हमें अगर बारिश आ रही है और हमें उसे कवर करना है तो यहाँ पे ये बेसिकली इसका ये रेन कवर है जो इससे अटैच्ड है। तो ये बेसिकली हम पूरा का पूरा इस बैग को अपना कवर कर सकते हैं। ये चेन लगा देते हैं इसकी एंड ये जो हमारा रेन कवर है, हालांकि मैंने कभी आज तक यूज़ नहीं किया इस रेन कवर का, बट यस इट्स अ गुड ऑप्शन। ये अपना पूरा कवर हो चुका है अच्छे से एंड इसके बाद जो हमारा टैंक पैक है इसको आराम से हम अपने बाइक पे लगा के चला सकते हैं। सो दिस इज़ अ गुड थिंग कि इसमें रेन कवर भी आता है। थर्ड थिंग, अगर हम जैसे बाइक से अपना कहीं पार्क लगा देते हैं और हमें इस बैग को कैरी करना है, देन अदर थिंग इज़ इसमें एक और ऑप्शन है कि हम इसको अपने शोल्डर्स पे एक बैग की तरह, एक और बैग की तरह लटका सकते हैं। इसमें जैसे कि ये दिया हुआ है, राइट। सो दिस थिंग वी कैन जस्ट अटैच इट। तो ये जो है हमारा ये इस बैग के यहाँ पे ये अटैच हो जाता है एंड वी कैन जस्ट कैरी इट लाइक वी कैन हम इसे ऐसे करके आराम से अपना डाल के चल सकते हैं।
तो ये भी अच्छी चीज़ है, तो काफ़ी हैंडी बैग है। तो जैसे हमारा कोई एक GoPro का हमारा ये बॉक्स है, अगर हमें अपना GoPro का बॉक्स इस बैग में रखना है तो इस तरीके की एक्सेसरीज बेसिकली हम रख सकते हैं अपने बैग में। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये अपना GoPro का ये रख दिया है, आराम से इसको बंद कर देते हैं। तो जैसा हमारा GoPro का जो बॉक्स है वो तो आराम से आ गया है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं, अगर हमें कुछ एक्सटर्नल कैमराज हैं या फिर कुछ और रुमाल है या कुछ भी, और भी सारी चीज़ें आ सकती हैं इस 5 लीटर के बैग में। सो बहुत सारा सामान नहीं आ सकता, बट हमारी जो बेसिक ज़रूरत का सामान होता है, फर्स्ट एड बॉक्स हो गया या कुछ भी हो गया, तो ये सब आराम से हम इस बैग में रख सकते हैं। अगर इसमें कितने चेन्स हैं और उसमें कितने पॉकेट्स हैं अगर उसकी बात की जाए, तो इसमें तो एक मेन चेन है ये, जो ये अपना ओपन हो जाता है यहाँ से, ये अपना ओपन हो गया। यहाँ पे कुछ पॉकेट्स दिए हुए हैं ये अपने कुछ रखने के लिए, टिक। उसके बाद फिर अपना ये बैग है बेसिकली, जिसमें अपने सामान हम रख सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये साइड में कुछ पॉकेट्स दिए हैं, यहाँ पे हम अपना चार्जर या कोई भी वायर है, USB केबल है, वो सब रख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे भी एक और चेन दी हुई है, ओके। जैसे यहाँ पे मैंने अपना USB केबल रखा हुआ है, तो यहाँ पे अपना USB केबल या कुछ भी है अगर हम चार्ज वार्ज करना है, तो उसके लिए अपन यहाँ पे इसको रख सकते हैं, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे अपना ये जो है ये अपने मैग्नेट्स हैं, ओके। सो ये एक, दो, तीन और ये चार मैग्नेट, एंड दिस वन इज़ द फिफ्थ मैग्नेट। तो ये अपना ऐसे करके लग जाता है, पूरा ओपन हो के चिपक जाता है अपने बाइक पे। अगर आपको इस बैग के बारे में और कोई डिटेल्स चाहिए या फिर और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दिस वाज माय रिव्यू वीडियो अबाउट दिस बैग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।